हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रंजीत गुप्ता एंड आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में। पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ये वीडियोस है स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के वीडियोस में मैं क्या करूँगा बच्चों, इसके शॉर्टकट्स दूंगा, फार्मूलाज दूंगा और कुछ क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे। तो मेक श्योर दैट कि आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कार्टेशियन का मतलब क्या होता है ना, कि जो देखिए हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि जो हम लोग कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे भी आप लोग कोई भी ग्राफ को ड्रॉ करते हो तो उसके अंदर कुछ एक्स और कुछ वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 3, अब इसे क्या बोलते हो सर, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, इसके पूरे सेट को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब कहीं पे भी अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका मतलब आपको एक्स और वाई का वैल्यू दिया गया हुआ है, ठीक है। अब पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, ये आप लोग के लिए नया है स्टूडेंट, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट मतलब होता है स्टूडेंट आर और थीटा, ठीक है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट, आर और थीटा, ठीक है। अगर आप लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है तो आर और थीटा बच्चों फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, अदरवाइज अगर गिवन है तो आर और थीटा है। अब बोलोगे सर ये चारों चीज़ का कॉम्बिनेशन क्या है, बच्चों ये चारों चीज़ का कॉम्बिनेशन आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, 9th स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, मैं एक चीज़ बना के दिखा रहा हूँ, आप लोगों को समझ जाएगा। अभी समझिए कि 2, 3 कोऑर्डिनेट को इसमें रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट। तो आप बोलोगे सर 2x एक्सिस पे यहाँ पे, y एक्सिस पे 3 यहाँ पे, ये हमारा ट्राइंगल बन गया हुआ है, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट, 2, 3, ये x का वैल्यू है, ठीक है, जितना क्या है बच्चों 2, और ये y का वैल्यू क्या है, 3 है। अब आप लोगों को इसके अंदर और क्या आ रहा है स्टूडेंट, सर इसके अंदर आ रहा है हमारा r, और इसके अंदर और क्या आ रहा है स्टूडेंट, हमारा थीटा। मतलब अगर उन्होंने x और y दिया तो r और थीटा फाइंड करने के लिए बोलेंगे, और अगर r और थीटा दिया तो हमें x और y फाइंड करने के लिए बोलेंगे। तो सिंपल सा मैं आप लोगों को फार्मूलाज दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश करेगा स्टूडेंट। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट जब मैं बताऊंगा बच्चों, तो वीडियोस को जरा अच्छे से देखिए और वीडियोस को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोग फार्मूलाज को देख के अगर क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप गलती करोगे, इसकी पूरी गारंटी। इसलिए वीडियोज़ को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ सर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है सर, एक्स और वाई। अगर आपको x और y दिया गया, वह जरा ध्यान से सुनिए, x और y दिया गया है, r और थीटा आपको फाइंड करना है, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, अगर आपको x और y दिया गया हुआ है, r और थीटा अगर आपको फाइंड करना है, तो r का फार्मूला होता है स्टूडेंट x² + y² और थीटा मतलब tan थीटा का फार्मूला होता है बच्चों y/x। अब ये फार्मूलाज कैसे बना, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जैसे भी x है, ये y है, r का रिलेशन क्या आएगा बच्चों, x और y के टर्म में, r का रिलेशन x और y के टर्म्स में क्या बनेगा जरा बताइए सर। r होगा पाइथागोरस के थ्योरम से स्टूडेंट, r क्या होगा बच्चों, x² + y² r² = जैसे स्क्वायर हटे तो वो रूट में चले जाएगा, ठीक है। और थीटा लेना है बच्चों, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करो जिसमें x और y आता हो, तो ये है सर अपोजिट, ये है सर एडजेसेंट, तो हम tan थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो tan थीटा = क्या होता है, y/x। मतलब कहीं पे भी अगर आपको x और y दिया हुआ है, r और थीटा अगर फाइंड करना है, तो आप ये फार्मूला को यूज़ करोगे, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, वीडियोज़ को प्लीज़ आधे में ही देख के छोड़ के क्वेश्चन ट्राई करने मत चले जाइएगा, ठीक है। इसलिए वीडियोज़ को समझिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर आपको r और थीटा दिया गया स्टूडेंट, ठीक है, मतलब आपको क्या दिया गया हुआ है सर, हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया गया हुआ है, और आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, एक्स और वाई, ठीक है। तो फार्मूला स्टूडेंट x = ठीक है r cos थीटा और y = r sin थीटा, ठीक है। ये है आपका फार्मूला। अगर आपको x और y से अगर r और थीटा फाइंड करना है तो आप ये दोनों फार्मूला यूज़ करोगे। अगर r और थीटा से मतलब पोलर कोऑर्डिनेट से अगर x और y फाइंड करना है तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे इसमें। तो आप इसे कहीं पे राइट कर लीजिए ताकि हम इसके ऊपर क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो उससे आपको समझ में आए बच्चों। यही आपको जब जहाँ पे भी स्टूडेंट थीटा फाइंड करना होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, यही जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता रहा था, ये पॉइंट यहाँ पे आपको रिमाइंड रखना बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं पे भी अगर आपको बोला, ये बहुत ईजी है बच्चों, इसके लिए कुछ नहीं, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पर ये जो ये वाला कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमें कार्टेशियन एक्स और वाई मतलब पॉइंट्स दिया गया हुआ है और आर और थीटा अगर पूछा जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना, जो चीज़ को हमें थोड़े टाइम में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये दो फार्मूले आप आई होप आप लोगों ने इसे राइट कर लिया होगा, ठीक है, और याद भी कर लीजिए कि सर एक्स और वाई से मतलब पोलार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलार कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, सर ये फार्मूला से, और पोलार कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकलता कैसे बच्चों, ये फार्मूला से, ठीक है। अब क्वेश्चन के ऊपर आ रहा, जरा क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं स्टूडेंट। आप समझिए कि आप लोग को बोला जा रहा है कि एक क्वेश्चन है बच्चों बुक के अंदर, जैसे भी रूट टू कॉमा पाई बाय फोर, ठीक है। अब आपको देख के समझ जाएगा ये कौन सा कोऑर्डिनेट, जरा बताइए सर यहाँ पे एंगल है, मतलब ये है हमारा पोलार कोऑर्डिनेट, आपको क्वेश्चन में लिखा जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, आप क्वेश्चंस को भी देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पोलार है कि कार्टेशियन है, क्योंकि पोलार मतलब कोई ना कोई सर वैल्यूज दिया होगा ना, और अगर थीटा दिया होगा इसका मतलब सर वो क्या है, पोलार कोऑर्डिनेट, ये कार्टेशियन है स्टूडेंट, ये पोलार है, इसका मतलब आपको क्या गिवन है बच्चों, दोनों एग्जांपल में, ये एग्जांपल अभी नहीं लूँगा मैं, आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो दोनों के ऊपर एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से समझिए और समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। आर इज इक्वल टू गिवन है रूट टू और थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है स्टूडेंट, पाई बाय फोर, ठीक है। तो हमने वहाँ पर राइट कर दिया कि सर आर रूट टू है और थीटा कितना है बच्चों, पाई बाय फोर है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, आप थीटा को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो एक्स और वाई है कौन से कोऑर्डिनेट में है, सर पाई बाय फोर मतलब 45 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब आपका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव आने वाला है ना स्टूडेंट, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, आप ऐसे भी दिमाग में लगा सकते हो। फार्मूलाज का यूज़ करो, जरा बताओ सर एक्स और वाई फाइंड करना है, तो एक्स का फार्मूला होगा स्टूडेंट आर कॉस थीटा, है ना स्टूडेंट, तो क्या आएगा जरा बताओ, आर का वैल्यू सर रूट टू कॉस 45 बच्चों, कॉस 45 कितना होता है जरा बताइए सर, कॉस 45 होता है 1/√2, रूट टू रूट टिकट कैंसिल, आंसर इज व्हाट 1। वैसे हम वाई का फार्मूला क्या यूज़ करेंगे जरा बताइए, आर साइन थीटा, है ना स्टूडेंट, तो आर का वैल्यू है सर रूट टू साइन 45 मतलब पाई बाय 4, तो रूट टू इंटू पाई बाय 4 सर रूट टू ही होगा, तो रूट टू रूट टिकट कैंसिल, आंसर इज व्हाट स्टूडेंट 1। तो एक्स और वाई का वैल्यूज क्या आ रहा है बच्चों, 1, तो नीचे स्टेटमेंट में बना के लिख दीजिएगा द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1, 1, है ना स्टूडेंट। तो इसके अंदर बच्चों हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कहीं पे भी अगर पोलार वाला दिया है एक्स और वाई निकालना, तो यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे, अगर आपको कहीं पे भी अगर एक्स और वाई दिया गया हुआ है, ठीक है बच्चों, मतलब कार्टेशियन दिया और पोलार निकालना है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, रूट टू कॉमा रूट टू, जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट। अब आप लोगों को देख के ही समझ में आ जा रहा है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। अब आप लोगों को देख के ही समझ में आ जा रहा है कि सर एक्स का वैल्यू क्या है सर रूट टू, और वाई का वैल्यू भी क्या है सर रूट टू, ठीक है, क्योंकि सर ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से देख के समझ में आ रहा है। तो आर का फार्मूला क्या है स्टूडेंट जरा बताइए, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4 मतलब आंसर आएगा 2। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है सर, ये होता है हमारा वाई बाय, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिए जरा बच्चों, रूट टू बाय रूट टू आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1 और टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसके ऊपर बच्चों प्रिंसिपल और जनरल के ऊपर आप लोग एंगल्स निकाल सकते हैं स्टूडेंट, एक एंगल तो निकाल सकते ना, कैसे निकालेंगे जरा बताइए, ठीक है। टेन के टर्म में 1 कब आता है जरा बताइए, टेन के टर्म में 1 आता है सर टेन 45 पे मतलब पाई बाय 4 पे, आप बोलोगे सर टेन टेन गेट कैंसिल थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, और यही गलती यहाँ पे करोगे। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ स्टूडेंट, हमें थीटा ही निकालना है जो आप सोच रहे हो, ठीक है, थीटा ही निकालना है सर हमें जो कि राइट है। बट प्रॉब्लम्स क्या है स्टूडेंट कि आप लोगों को थीटा निकालते समय एक चीज़ का वेरिफिकेशन करना है स्टूडेंट, एक चीज़ का क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है कि आपका पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में, आपका पॉइंट सर ये पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है सर एग्जैक्टली है, इसका मतलब आपका आंसर राइट है। यही पॉइंट जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, कहीं पे भी अगर आप एक्स और वाई से आर और थीटा निकालोगे, थीटा कहीं पे भी निकालोगे स्टूडेंट, तो ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो यहाँ पे पूरा गलती कर दोगे आप कि सर अगर आप मतलब एक्स और वाई से आर और थीटा की तरफ जा रहे हो, थीटा निकालते समय आप ध्यान में रखिएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले रहा ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अभी समझिए रूट टू माइनस रूट टू स्टूडेंट दिया गया हुआ, तो अभी मुझे एक बात बताइए आर का फार्मूला क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस रूट टू का स्क्वायर 2 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 2 होगा स्टूडेंट, ये होगा रूट ऑफ 4 मतलब 2।
टेन थीटा का फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, जरा बताइए सर। ये होगा वाई बाय एक्स मतलब माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय माइनस रूट टू, माइनस मैंने गेट कैंसिल, आंसर इज व्हाट वन। टेन थीटा इज इक्वल टू वन, टेन के टर्म में स्टूडेंट वन कब आता है सर, टेन 45। आप क्या करोगे, टेन टेन को कैंसिल करके थीटा इज इक्वल टू 45 लिख दोगे, जो कि गलत है। ठीक है, अब क्यों गलत है सर? अब ये माइनस और माइनस हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा सर, एक्स और वाई दोनों माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमारा क्या होना चाहिए स्टूडेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 180 से 270 के बीच में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर अगर एक्स और वाई अपना पॉइंट्स अगर यहाँ पे बना रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा एंगल भी वहीं का होना चाहिए। ये चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा, एक्स और वाई हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का था तो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स और वाई है वो थर्ड क्वाड्रेंट का, तो आप क्या कीजिएगा ना, इसी को आप थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के हिसाब से चेंज कर दीजिए। बच्चों हम लोगों ने प्रिंसिपल और जनरल में पढ़ा हुआ है ना कि और एंगल्स कैसे निकाले जाते, पढ़ा गया हुआ, कैसे करेंगे जरा बताइए। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, टेन है तो इसको भी टेन में ही रखना है, इसका मतलब हमें फंक्शन चेंज नहीं करना है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, इसको ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे टेन पॉजिटिव है, तो बोलोगे सर टेन पॉजिटिव यहाँ और यहाँ पे। मैंने बोला फंक्शन को क्या रखना बच्चों, सेम ही रखना, तभी तो टेन टेन कैंसिल होगा ना स्टूडेंट, इसको चेंज कर रहे हैं हम, तो टेन में ही रखना है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव है ना बच्चों, टेन पॉजिटिव है और फंक्शन चेंज नहीं होता, तो बोलोगे सर यहाँ पे तो टेन पॉजिटिव है बट ये दोनों क्वाड्रेंट में फंक्शन चेंज होता, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, पीछे से आगे आएंगे ना इसके ऊपर, ऑलरेडी मैंने बेसिक में बच्चों वीडियोज डाला हूँ मैं क्वाड्रेंट फंक्शन बच्चों एनी एंगल्स के ऊपर, ठीक है, हाउ टू फाइंड, ठीक है उसके ऊपर बच्चों। तो इसका जो लिंक होगा बच्चों मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा वीडियोस को जाके देख सकते हैं, हाउ टू फाइंड एनी एंगल रिगार्डिंग गिवन फंक्शन, ठीक है, या फिर हाउ टू फाइंड एनी फंक्शन वैल्यू रिगार्डिंग गिवन एंगल्स, ठीक है। तो जरा वीडियोस को ध्यान से समझिए, तो मैं और बोलोगे सर यहाँ पे भी, तो यहाँ से भी हम पीछे से जा सकते हैं, बट यहाँ का हम लोग क्यों नहीं यूज़ करेंगे सर, 360 से ज़्यादा होगा सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बट हमें कहाँ का एंगल चाहिए सर, हमें चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल जो कि 180 प्लस थीटा राइट है, तो इसी को मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, पाई प्लस पाई बाय 4 है ना बच्चों। पाई क्यों लिखा, क्योंकि सर ये पाई 180 मतलब पाई होता है प्लस थीटा, थीटा कितना था स्टूडेंट पाई बाय 4, तो इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आएगा स्टूडेंट 5π/4, तो tan थीटा इज इक्वल, tan और tan गेट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 5π/4, जो कि कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है स्टूडेंट, यह है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल और थर्ड क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट था उसी का एंगल्स भी। तो इसी एक पॉइंट है बच्चों जिस पे आपको क्या करना है, गौर करना और ध्यान देना है, बाकी सारे के सारे एग्जांपल्स आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, तो आप लोग क्या कीजिए उसके ऊपर के एग्जांपल्स ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.2 में है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट। जो आप लोगों के बुक्स में दिए गए वो, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है स्टूडेंट, तो आप लोग क्या कीजिए ये फार्मूला कहीं पे राइट कर लीजिए, उसके बाद आप इसके ऊपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ बच्चों, एक दो क्वेश्चंस ट्राई करके मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो और आप लोग इसके क्वेश्चंस को कर सको, एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला, जरा देखिए जरा, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब हमें क्या फाइंड करना सर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब हमें क्या फाइंड करना सर, एक्स और वाई का वैल्यू ऑफ द पॉइंट हुज द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, मतलब इन्होंने बोला कि सर आप कार्टेशियन फाइंड कीजिए और पोलर कोऑर्डिनेट्स नीचे गिवेन है, तो हमें पता है कि सर एक्स और वाई ना बच्चों, हमें क्या फाइंड करना कार्टेशियन, हमें थीटा तो निकालना नहीं सर, एक्स और वाई निकालना, तो हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जब हम थीटा निकालेंगे तो वहाँ पे हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखिए कि जहाँ पे भी थीटा निकालोगे तो थीटा निकालते समय हमें क्या करना होता है, वो मैच करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पे दिया सर रूट टू एंड फाइव बाई फोर, तो इसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लेके समझाया था बच्चों, तो मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। फोर दिया गया हुआ और फाइव बाई टू दिया गया हुआ स्टूडेंट, फोर और फाइव बाई टू 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों, ये लाइन के ऊपर आएगा, इसका मतलब कोई ना कोई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, देखते हैं स्टूडेंट ध्यान से समझिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा जरा बताइए, यहाँ पे लिखूंगा सर आर इज इक्वल टू 4, लेट कंसीडर कर लेंगे बच्चों, और थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है सर, पाई बाई टू, क्योंकि सर ये पोलर कोऑर्डिनेट है, पोलर को हम लोग बोलते हैं सर आर और थीटा, हमें निकालना है सर एक्स और वाई, तो एक्स का फार्मूला क्या है स्टूडेंट जरा बताइए, आर कॉस थीटा, आर का वैल्यू दिया गया सर 4 × cos 90, कॉस 90 कितना होता है स्टूडेंट, जीरो है ना स्टूडेंट, कॉस 90 कितना होता है जीरो, साइन 90 होता है बच्चों 1, तो क्या आएगा स्टूडेंट जरा बताइए 0, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट आर साइन थीटा, ठीक है। तो 4 × sin 90, साइन 90 कितना होता है स्टूडेंट सर 5/4 π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, इंटू 1, तो साइन 90 1 होता है सर, आंसर कितना आएगा 4। तो यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट बना के लिख दीजिएगा, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर
0.4, ठीक है स्टूडेंट, 0.4, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ गया होगा। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, ये है बच्चों हमारा कार्टेशियन से पोलर की तरफ, जैसे मैं थर्ड एग्जांपल्स ले रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है बच्चों 3/4 और 3π/4, ठीक है। तो आर कितना दिया गया सर, आर दिया गया 3/4, थीटा दिया गया है बच्चों हमारा 3π/4, 3π/4 मतलब कितना डिग्री एंगल हो रहा है, साइड में निकाल लीजिए सर, 3 × π का वैल्यू कितना होता है 180 डिवाइडेड बाय 4, 4 × 1 = 4, 4 = 4 बच्चे बच्चों 2 × 2 = 5 तो कितना आ रहा है बच्चों 135 डिग्री होता है, मतलब एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब कौन पॉजिटिव होगा स्टूडेंट, सर एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, देखिए यहाँ पे मैं वैल्यूज को निकाल रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे 135 लिख के अगर सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, बट हमें रेडियन फॉर्म में रख के सॉल्व करना होता है स्टूडेंट, बट अगर आपने ऐसा किया तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स इजिकल टू क्या आएगा जरा बताइए सर, आर कॉस थीटा, आर इज वॉट 3/4 इंटू कितना है बच्चों कॉस 3π/4 135 डिग्री। अब बच्चों हमें 135 डिग्री कितना होता है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करेंगे, पता है ना कैसे क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक है। कैसे क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करेंगे जरा बताइए, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है सर, ये आ रहा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल होता है सर 180 माइनस थीटा, है ना स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है स्टूडेंट 180 माइनस थीटा, आपको पता है ना हम लोग ने इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से पूछ सकते हो, कोई डाउट डिफिकल्टीज है तो, ठीक है। एक बार फिर से देखिए कैसे निकाला जाता है और कैसे इसको किया जाता है स्टूडेंट, कैसे वैल्यूज निकाल लेते हैं हम लोग, याद है कि नहीं क्या कर रहे थे स्टूडेंट हम लोग, कैसे कर रहे थे जरा बताइए, ठीक है। जो भी आपका एंगल्स गिवन होता है जरा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्या कर रहे थे हम जरा बताइए बच्चों। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बेसिक में वीडियोज डाला हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं सर, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है सर 180 माइनस 180 में से अगर 135 गया, इसी कर रहे थे ना स्टूडेंट, यही कर रहे थे, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पे लिख दे रहे थे और फिर फार्मूला अप्लाई कर रहे थे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके बता दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या है जरा बताइए सर, 180 में से अगर 135 गया तो 45 बचा, 45 का मतलब होता है π/4, सेम चीज़ को हमने दिखाया हुआ है, खाली ये हो क्या गया स्टूडेंट, ये फार्मूला बन गया हुआ है। अगर कन्फ्यूजन हो तो फिर से पूछ लीजिएगा और जाके वो वीडियोस देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा बच्चों, आप लोग टेंशन मत लीजिए कोऑर्डिनेट फंक्शंस के ऊपर। तो बच्चे कौन से कोऑर्डिनेट जरा बताइए सर, हम लोग कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहे, प्रिंसिपल और जनरल वाला बच्चों, एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो 180 माइनस थीटा सर हम सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस नेगेटिव होता है और फंक्शन सेम रहता है, ये आएगा स्टूडेंट π/4, तो 3/4 इंटू कॉस 45, कॉस 45 कितना होता है स्टूडेंट 1/√2, फाइनल आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट -3/4√2, ये हो गया बच्चों आपका x का वैल्यूज। आई होप आप लोगों को समझा होगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट y इज इक्वल टू क्या होता है r, y इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट r sin थीटा, ठीक है। तो r का वैल्यूज हमें कितना गिवन है स्टूडेंट, सर r का वैल्यूज हमें दिया गया हुआ है 3/4 इंटू sin थीटा, थीटा का वैल्यूज हमें दिया गया हुआ है स्टूडेंट 3π/4, ठीक है स्टूडेंट, मतलब 135 डिग्री, ठीक है 3π/4। अब 135 तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको क्वाड्रेंट के फंक्शन में चेंज कर दे रहे हैं सर, ये सेकंड क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल यूज़ होगा, मतलब 180 माइनस 180 में से अगर 135 गया कितना बचा बच्चों 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे करते हैं ना हम लोग, तो लिंक डाल दे रहा हूँ, आप लोग लिंक को उसको वीडियोज़ पर जाके अच्छे से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दे रहा हूँ। तो अब बच्चों हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव है सर, ये है हमारा स्टूडेंट पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। प्रिंसिपल और जनरल एक अलग कॉन्सेप्ट है और एंगल निकालना एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंगल मतलब क्या होता है बच्चों, सॉल्व करना होता है, और प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है ना, इसमें इसको कन्वर्ट करना होता है, दोनों को मिक्स करके कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। तो बच्चों कितना का जरा बताइए सर, ये होगा साइन 45 है ना स्टूडेंट, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर में फंक्शन सेम होता है, फंक्शन सेम होता है और हमारा साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 3/4 साइन 45 होता है सर 1/√2, तो इसका आंसर कितना रहा होगा 3/4√2। तो आई होप आप लोगों को आर और थीटा मतलब पोलार से कार्टेशियन कैसे निकालना आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर जा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोग को दिया गया हुआ है, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चंस को। फाइंड द पोलार कोऑर्डिनेट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, इन्होंने बोला कि सर पोलार कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसका पोलार कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है निकालना है, मतलब आर और थीटा निकालना है, कार्टेशियन दिया गया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ऑलरेडी मैंने √2 √2 के ऊपर एक एग्जांपल लिया था, मैं इसके ऊपर एग्जांपल ले रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, सेकंड एग्जांपल है, ये दिया गया बच्चों 0 एंड 1/√2, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए समझिए।
तो सर ये कार्टेशियन है, मतलब ये एक्स का वैल्यू है सर 0, वाई का वैल्यू दिया गया सर 1/2। तो स्टूडेंट आर का फार्मूला क्या होता है ज़रा बताइए सर। एक्स का स्क्वायर यहाँ पे लेट लिख दीजिएगा, एक्स का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0, और 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। तो स्टूडेंट कितना आएगा, 0 प्लस 1/4 इज व्हाट 1/4, तो बाहर आ गया होगा 1/2। ठीक है, देन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों ज़रा बताइए। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है सर वाई बाय एक्स। देखिए ये एंगल में चेंज करना होता है, प्रिंसिपल और जनरल की तरह ये है, ये नहीं है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत कर दीजिएगा अपने आप को, इसलिए डायरेक्ट ये वीडियोज़ मत देखिए, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले समझ लीजिएगा कि क्या है। तो वाई बाय एक्स बच्चों, तो वाई का वैल्यूज हमें दिया गया सर 1/2 और 0 दिया गया है। तो बच्चों एनी टाइम डिवाइड बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड है ना स्टूडेंट, क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो टेन थीटा इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, तो टेन के टर्म में नॉट डिफाइंड कब आता है स्टूडेंट, सर टेन के टर्म में 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड आता है, मतलब टेन पाई बाय टू। तो आप लोग देख लीजिए कौन से क्वाड्रेंट में, सर 0 और 1/2 मतलब वाई एक्सिस पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना बच्चों 0 और 1/2 है ना बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई पॉजिटिव है, तो 90 डिग्री पे आ रहा है, मतलब हमारा एंगल राइट है सर। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाय टू। तो आप निकालते समय ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों का जो पॉइंट है कौन से कोऑर्डिनेट में है, और उसके हिसाब से आपका एंगल मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा होता तो मैं क्या किया होता, क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज कर दिया होता, जैसे हम प्रिंसिपल और जनरल में कर रहे थे। ये एंगल निकालना एक अलग चीज़ है और चेंज करना एक अलग चीज़ है, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन अच्छे से समझा होगा स्टूडेंट। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग अपने डाउट्स को मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली वहाँ पे आके आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियोज़ में सिर्फ इतने, अगर मेरा बनाया हुआ वीडियोज़ अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब से बच्चे हम जैसे यूज़र्स को, टीचर्स को बच्चे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियोज़ में सिर्फ इतने, आप लोगों का वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।